चल भाई सोड़ी चल। पिलू आराम ना यार। क्या आराम नाल? ये तो तेरी वजह से एक शिक्षक को कल रात से झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा है। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है ये। मेरे लिए भी शर्म की बात है। तो क्या तो? और मेरा जिगरी दोस्त कैसी आलतू पालतू बातें कर रहा है? पिलू मेरे पेट में कांच है कांच, जो मेरे पेट की आटड़ियां काट रहा है और तू है कि शर्म की पूंछ पकड़े है। हरू 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 कुछ होगा तो नहीं? अरे कुछ नहीं होगा, अभी जा रहे डॉक्टर आती के पास। चलो 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 क्या चलो घूमने चलो, क्या घूमने चलो? कोई घूमने नहीं जाने वाला। देखो सोड़ी अंकल के पेट का दर्द बहुत बढ़ गया है, हम लोग अभी वापस डॉक्टर आती के पास जा रहे हैं। ओए पापा, आपको परेशान करने वाले पेट दर्द को मैं छोड़ दूंगा नहीं। शाबाश छोटे सोड़ी, चलो बड़े सोड़ी। चलो चलो चलो। क्या क्या चलो, तुम लोग यही रुको, मतलब है यही रुको और यही रहो। हाँ डॉक्टर हाथी को डिस्टर्ब नहीं करना है, और हाँ अंदर चेकअप चलते वक्त बिल्कुल अंदर नहीं आना है। ओके क्या देखते हो? सूरत तुम्हारी। एक्सक्यूज मी और डॉक्टर हाथीपुरा कोमल भाभी को नहीं और मेरे पेट को देखो, दर्द बढ़ता जा रहा है। कोमल भाभी जरा सोड़ी के लिए पानी लाइए ना प्लीज। अभी लाती हूँ। ये पानी जल्दी आता है। कोमल भाभी जी शरबत लेके आइए इस बार। लाती हूँ। आराम से आराम से। क्या हुआ सोड़ी, इतनी जल्दी वापस आना पड़ा? डॉक्टर हाथी सोड़ी के पेट में जो दर्द हो रहा है उसकी वजह कुछ और है। क्या? इसके पेट में कांच है, कांच। कांच? क्या हुआ? ऐसा झमेला हुआ है। और हाँ ये बात हमने रोशन भाभी से छुपाई है। हाँ बताना मत प्लीज। अच्छा अच्छा हाँ, बट इट्स वेरी डेंजरस, फौरन जाके एक्सरे कराओ। अभी एक्सरे निकालने के लिए फौरन जाना पड़ेगा। अरे फौरन का मतलब तुरंत परफेक्ट हॉस्पिटल पहुंचो। बाल करते हो हाथी परा, मेरे पेट में कांच और आपको मजाक सूझ रहा है? अरे यार इतने बड़े शहर में हॉस्पिटल कौन सा परफेक्ट है, हमको क्या पता? अरे परफेक्ट हॉस्पिटल नहीं ढूंढना है, हॉस्पिटल का नाम परफेक्ट है। परफेक्ट परफेक्ट, समझ गया समझ गया। समझ में आ गया ना? हाँ। वहाँ जाओ तुरंत, वहाँ जाके एक्सरे कराओ, डॉक्टर निराली से मिलो, मैं फोन कर देता हूँ कि तुम लोग आ रहे हो। ओके हाथीपुरा एक गल दसो, उससे पहले भी आपके पास कोई पेशेंट आया जिसके पेट में कांच गया हो? तो उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ, अरे तुम जाके मिलो, मैं बाद में बताता हूँ। चलो चलो नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच कोमल पापी जी। कोमू मैं हूँ ना, कमाल है। चलो सोड़ी चलो पापा घूमने रिसोर्ट। ए, हम लोग रिसोर्ट नहीं, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ चलो हॉस्पिटल घूमने। हाँ घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं हम हॉस्पिटल, सोड़ी अंकल के रिपोर्ट लेने जा रहे हैं। पापा हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम था, पापा रिपोर्ट कल निकालना होगी। पुत्र रिपोर्ट आज ही निकालना बहुत जरूरी है, और सॉरी मैं आज आप लोगों को घुमाने नहीं ले जा पा रहा हूँ। डोंट वरी सोड़ी अंकल, अभी तो पूरा वैकेशन बाकी है। हाँ सोनी अंकल, अब हमें कल परसों नेक्स्ट वीक कभी भी लेके जाना। हाँ शाबाश सुनो। हाँ सोनी अंकल, आप पहले अपना इलाज करवाइए, क्योंकि टप्पू सेना के लिए घूमने जाने से ज्यादा जरूरी है उनके प्यारे सोनी अंकल की हेल्थ। थैंक यू। है ना? हाँ पापा तुझे हमेशा चंगे रहो। रब राखा। चलो सोनी अंकल हम लोग भी आपके साथ हॉस्पिटल आते। हाँ। नहीं नहीं तुम लोग को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, सोनी अंकल को मैं लेके जाऊंगा। चल सोनी अंकल, आज आपने पापा की हेल्प की, एक दिन मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं स्कूटर लेके आता हूँ। चलो बच्चों मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ। सॉरी अंकल, गेट वेल सून, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच टप्पू सेना, और मैं माफी चाहता हूँ कि प्रॉमिस करके भी मैं तुम लोगों को आज घुमाने नहीं ले जा पा रहा हूँ। डोंट वरी सॉरी अंकल, अब ठीक हो जाओ ना, उसके बाद हमें दो बार घुमाने ले जाना, लेकिन पक्का। हाँ। पक्का बच्चों पक्का। चल सोड़े आजा। बीड़े अंकल, सोड़ी अंकल के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप स्कूटर थोड़ा आराम से चलाना। हाँ। अरे उनकी स्कूटर आराम से ही चलती है। ये बोलिया ओ पिडू चल। यार पिडू ऐसा लग रहा है
ये कांच पेट में उछल रहा है। क्यों? क्या क्यों? तू स्कूटर दौड़ा के लाया ना गड्ढों में से, तुकड़ 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 तुकड़। अरे सूरी, एक आइडिया हो सकता है, है? अगर मैं स्कूटर को वापस उन्हीं गड्ढों में से दौड़ाऊं और तू अपना मुंह खुला रखे तो वो कांच हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर उछल के तेरे मुंह से बाहर आ जाए। काहे चाले पिड़ू, तुझे मजाक सोच रहा है? यहाँ मेरे पेट में कांच है, कांच। आपके पेट में कांच है? मेरे दोस्त के पेट में भी कांच था, जल्दी से इलाज करवा लीजिए बेचारा। भाई क्यों डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो? यहाँ कोई हॉरर शो चल रहा है? अपना काम कीजिए, जाइए प्लीज। तो चलो रो जाते। तुकाराम, ये नया पेशेंट कौन आया है? ए भाई लग, इधर उधर क्यों घूम रहा है? चल अपने वार्ड में जाकर सो जा, चल। अरे भाई, डॉक्टर लाली कहाँ है? लाली? डॉक्टर लाली तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना तो लिपस्टिक लाली लगाने वाली कोई। बड़ू लाली? अरे नहीं नहीं, सॉरी, लाली नाम नहीं था, कुछ निराला नाम, निराली, डॉक्टर निराली नाम था। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर निराली कहाँ मिलेंगी? वहाँ पर। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ए, अपने वार्ड में जाके सो जाइए। रुक, आजा। अरे रुक, कुछ होगा तो नहीं यार? कुछ नहीं होगा, सॉरी, डर मत, चल चल। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्टर निराली पिड़ू। अरे क्या कर रहे सॉरी, वॉक करके अंदर जाना चाहिए। नॉक करने के बाद पूछना चाहिए, मैं आई कम इन, उसके बाद जाना चाहिए। मैनर्स, मैनर्स। और भी कुछ मैनर्स बाकी है? नहीं, थैंक यू। मैं आई कम इन, जोर से बोल। मैं आई कम इन जी। वंस मोर, मैं आई कम इन डॉक्टर निराली जी। इसकी खामोशी को क्या समझे, अंदर जाएगी नहीं? सॉरी, अंदर से आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब अंदर कोई नहीं है। हाँ। तू भी यार। एक्सक्यूज मी मैम, हम लोग पहले आए हैं, आप जरा लाइन में आ जाइए। डॉक्टर निराली? ओ जी, डॉक्टर निराली को ही हम लोग मिलने आए हैं, बहुत अर्जेंट केस है, आप प्लीज लाइन में आ जाइए। एक मिनट सॉरी, मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है, इसके पेट में ना कांच का टुकड़ा गया है, तो तो ये है मिस्टर्स सोडी। आइए आइए, नहीं चलिए। ये आपका केबिन नहीं है? चलिए, मतलब आपका सीटी स्कैन करना है, आपके पेट में कांच है और ये डेंजरस हो सकता है, चेक करना पड़ेगा कि कितना बड़ा कांच है। अरे क्या आज की बात बोल के गई, इट कैन बी डेंजरस, कुछ होगा तो नहीं? मुझे डर लग रहा है यार। सॉरी, तू क्यों डर रहा है भाई, तेरा ऑपरेशन नहीं कर रहा है, सीटी स्कैन कर रहा है, मतलब बाहर से अंदर का फोटो निकालेंगे। अरे प्लीज चलिए। हाँ हाँ चलो, आप नहीं सिर्फ आप, हरी अप। जा जा जा, रब रखा, टेंशन मत ले। माझ्याच मागे का लागलाय? अरे भाई, ये कौन है, इनको पकड़ो जरा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो वार्ड में चलो। अरे वो मेरे रिश्तेदार है, रिश्तेदार है, चलो। अरे अरे अरे, चला बांधून ठेवा। हाँ सॉरी, अच्छा हुआ तो आ गया। हो गया स्कैनिंग? हाँ हो गई स्कैनिंग, पर यार कमाल की बात है, इतनी छोटी सी जगह का फोटो लेने के लिए इतनी बड़ी मशीन, और मुझे पूरा का पूरा अंदर डाल दिया यार।
ठीक है ना, लेकिन फोटो निकाल आना। हाँ तो बस आ जा, बैठ जा। अरे रब्बा, नहीं मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? अरे क्या क्यों, अगर मैं बैठ गया और ये कांच का टुकड़ा भी छुप करके बैठ गया तो अभी क्या अंदर चल रहा है वो? Excuse me. आप प्लीज मेरे कैबिन में आइए। क्या हो डॉक्टर? आप आइए तो सही। कुछ बोल के नहीं, कुछ डेंडे रह गया। चल जाके पूछते हैं। आजा आजा। अरे रुक। क्या हुआ? अभी मैनेज का क्या हुआ? नॉक करके मैं कमीन। चल ले बाबा। क्या बात है डॉक्टर ने जी, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। मेरी सीटी स्कैन की रिपोर्ट सब ठीक है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? मिसेस सोडी, टेंशन की बात तो सोडी, आपके पेट में कांच का टुकड़ा है। देखा, मैंने तुझे कहा था ना। और वो भी बहुत बड़ा। देखिए। मैं नहीं दे सकता, तू दे क्या? हमें ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? नहीं नहीं। देखिए मिस्टर सोडी, आपके पेट में कांच का टुकड़ा है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो इंटरनल इंजरी बढ़ जाएगी। अरे ये क्या हो गया पिडू? वो आज तक इंजेक्शन नहीं लगा और अभी सीधे डायरेक्ट ऑपरेशन। सोडी, तुझे करवाना ही पड़ेगा ऑपरेशन। और रोशन, उसको कैसे बताएंगे? उससे कैसे ये सब छुपाएंगे यार? अरे हाँ यार, तेरी हालत तो वो चक्रों में फंसे अभिमन्यु की तरह हो गई है। यार पिडू, रोशन को जब मेरी पार्टी शार्टी का पता चलेगा तो उसको कितना गुस्सा आएगा यार। उसको जब पता चलेगा कि मेरे पेट में कांच है तो उसके दिल को कितनी तकलीफ होगी। सब मेरी गलती है यार पिडू, कितना मुझसे प्यार करती है और मैं उसको हमेशा टेंशन नहीं देता रहता हूँ। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ यार उसका। हेलो डॉक्टर, हाथी का भी फोन आ गया। हेलो जी सर। जी हाँ, सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई सर। इनके पेट में बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा है जी, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा जी सर। आप आ रहे हैं? ओके, मुझे एक मिनट फोन दीजिए प्लीज। सर एक मिनट। हाथी ब्रा, कोमल भाभी को मत बताना कि मेरा ऑपरेशन है। कोमल भाभी को क्यों नहीं बताना है? रोशन को पता चल जाएगा यार। डॉक्टर हाथी प्लीज किसी को भी मत बताना और आप जल्दी आ जाओ। थैंक यू। हेलो डॉक्टर ने जी। डॉक्टर ने जी, ऐसा नहीं हो सकता बिना ऑपरेशन के मेरे पेट से ये कांच निकल जाए। जी नहीं मिसेस सोडी। ये जरा सोचिए ना, कुछ याद कीजिए, कोई नई टेक्निक आई हो। सोडी तू क्या बात कर रहा है भाई, तू मुझे एक बात बता, तू बिना कार का बोनेट खोले इंजन चेक कर सकता है तो बिना ऑपरेशन के कार कैसे निकलेगा? जरा ठंडे दिमाग से सोच। देखिए, अब सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर निराली बोल रही हूँ। हाँ रूम अवेलेबल है? अर्जेंट है। मिस्टर सोडी का नाम लिखिए। ओके, रूम नंबर 104। ठीक। मिस्टर सोडी, आप रूम नंबर 104 में जाइए, बाकी की पेपर फॉर्मेलिटीज हम बाद में पूरी कर लेंगे जी। प्लीज। हेलो ऑपरेशन थिएटर। पेशेंट का नाम लिखो। मिसेस सोडी, 135। पिडू, ये क्या हो गया यार, अभी मेरे पेट का ऑपरेशन होगा। अरे सोडी, तुझे किसने कहा था पार्टी करने के लिए? ना तू पार्टी करने को जाता, ना तेरे पेट में कांच जाता, ना तेरा ऑपरेशन होता और ना ही मेरा टेंशन बढ़ता। यहाँ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बारिश में कार के वाइपर की तरह ऊपर नीचे हो रहा है और तुझे अपने टेंशन की पड़ी है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख मेरे भाई, ऑपरेशन के वक्त ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक काम कर, रोशन से ऑपरेशन वाली बात तू छुपा। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ले, रोशन को याद किया और रोशन का फोन आ गया। बात कर। नहीं नहीं, तू बात कर। अरे यार। हाँ रोशन। रोशन किधर है तू? मैं पिडू के साथ गया हूँ उसकी एक पार्टी के पास। इधर भी पार्टी? पर गोगी तो बोल रहा था कि तू रिपोर्ट निकलवाने के काम से गया है। और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया सोनिया,
और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा तो पेट दर्द भी ठीक हो गया है। और मैं अभी पिडू के साथ ना उसके अचार पापड़ का ऑर्डर लेने जा रहा हूँ। सारू सारू अभी तो ठीक हो ही गया है तो जल्दी से घेरा के बच्चों को घुमाने ले जानी। हाँ डार्लिंग, मैं अभी घर आ रहा हूँ और बच्चों को घुमाने ले जाता हूँ। चल चल बाय। वाह वाह अप्रतिम सोड़ी अप्रतिम, मैं तुझे पार्टी के पास लेके गया ये बोला, खुद पार्टी करने गया ये नहीं बोला तुमने, मेरे नाम पे बिल फाड़ रहा है, मुझे टेंशन दे रहा है। और पिडू तुझे अपनी टेंशन की पड़ी है या मेरी टेंशन की सोच? डॉक्टर बोलती है ऑपरेशन कराओ, रोशन बोलती है घर पे आके बच्चों को घुमाने लेके जाओ। ओए रब्बा मैं कितने जावा। तो अभी तेरा क्या इरादा है भाई? घर रोशन से अगर बात छुपानी है तो घर जाना पड़ेगा। चल पिडू घर चल। अभी जूते पहन ले। ओए रब्बा सोड़ी मैं चलता हूँ। ये पिडू साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे यार। क्या बात करता है यार। चल मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है तू यार, रोशन का सामना अकेले नहीं कर सकता। चमिलो को आ भी गया। आइए आइए बिड़े भाई। चल रोशन तेरी तबीयत ठीक हो गई है तो तू टप्पू सेना को घुमाने ले जानी बाबा। तबीयत तो ठीक हो गई है तो टप्पू सेना को भी घुमाने ले जाता हूँ। सूट है कुछ टेंशन में हो? कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है रोशन, क्या छुपा रहे हो मुझसे? छुपा रहा हूँ कुछ भी तो नहीं। भिड़े भाई आप बताइए। मैं? अरे नहीं नहीं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैं क्या बोलूंगा। रोशन सच्ची सच्ची बोल, बात क्या है? वो एक्चुअली रोशन कल बल्लू और बल्लू के भाई के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सो वो एक्चुअली अपना अमर जीते 7 साल के लिए कनाडा जा रहा है, तो हम लोग बल्लू के घर पार्टी शार्टी करने गए थे। मतलब तू मुझसे झूठ बोल के पार्टी शार्टी करने गया था? रोशन मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी, मेरे घड़ी घड़ी मना करने के बाद भी तूने पार्टी शार्टी की? पिडू रोशन को पूरी बात बता ना। आप कुछ मत बोलना, अभी अभी आपने ही कहा था ना हस्बैंड और वाइफ के बीच का मामला है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रोशन भाभी। इनफैक्ट मैं तो कब से ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा ही क्यों। ए पिडू वो उठ गया अबे, तुझे सुधरना ही नहीं है। नहीं रोशन मुझे सच्ची सुधरना है। नहीं तुझे सिर्फ पार्टी शार्टी करना है ना, अब तू आखिरी जिंदगी बैठ कर पार्टी शार्टी कर। आज से तेरे लिए इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। रोशन घर से निकाल दे, दिल से मत निकाल यार। चुप घेटी बाहर निकल चल। अरे रोशन रोशन मेरी बात तो सुन, मेरे पेट में रोशन। अरे रोशन मुझे घर से मत निकाल। अरे रोशन मुझे दिल से मत निकाल। अरे सुन मेरे पेट में रोशन। सुड़ी ए सुड़ी क्या हुआ? ये सपना था पिडू, ड्रामने ड्रामने सपने आ रहे हैं यार। रोशन को पता चलेगा तो वो घर से निकाल देगी, घर से ही नहीं दिल से निकाल देगी यार। और अगर पेट से ये कांच नहीं निकाला तो दुनिया से निकल जाऊंगा दोस्त, मुझे इस धर्म संकट से निकाल। अरे किधर से क्या निकालूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोड़ी सोड़ी तेरी हालत है ना, वो दलदल में फंसे हुए इंसान की तरह हो गई है। तू जितना बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना उतना ही अंदर फंसता जाएगा। यार पिडू मैंने रोशन से झूठ बोला, झूठ बोलकर उसको बेवकूफ बनाया, उसको धोखा दिया। सच में अपनी पत्नी से धोखा करने वालों का यही होना चाहिए। सही बात है डॉक्टर निराली, ऑपरेशन इज मस्ट वरना सोड़ी का बढ़ जाएगा कष्ट। अरे हाथीपुरा मुझे इस ऑपरेशन से बचा लो यार। अरे सोड़ी चिंता मत करो, 3 दिन का ऑपरेशन है, फिर 1 घंटे का आराम, फिर छुट्टी। क्या कहते? अरे नहीं नहीं मतलब 1 घंटे का ऑपरेशन, 3 दिन का आराम, फिर छुट्टी। अरे तब तक रोशन मेरी छुट्टी कर देगी यार। सोड़ी जैसी करनी वैसी भरनी, पार्टी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। देखो सोड़ी तुम्हारा काम है अपने परिवार का ध्यान रखना, उनकी चिंता करना, और हमारा काम है तुम्हारा ऑपरेशन करना। डॉक्टर निराली ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। यस सर।
मिसेस ओडी, ऑपरेशन से पहले आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। सर एक। हाँ, क्यों नहीं? यार पिडू, बीड़ू बीड़ू करना बंद कीजिए। ये ड्रेस पहन के आ जाइए। पहले यार पहले चलो। अरे फिर से वही दवा? घर पे खाई थी? नहीं तो? मिसेस सोडी, अभी थोड़ी देर में आपको टेस्ट के लिए लेके जाएंगे डॉक्टर हाथी। अराउंड 4 बजे हम इनका ऑपरेशन कर सकते हैं। इज दैट फाइन? या फाइन। तब तक मैं बाकी पेशेंट। यस प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। कैरी ऑन। या वाहेगुरु खुदाई जी, है क्यों हो गया? अरे आतिपरा, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया। छोटी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दिन और लेट हो जाते ना तो तकलीफ बढ़ जाती है। पता है मुझे डॉक्टर निराली ने क्या कहा? नहीं। पिछले हफ्ते एक पेशेंट आया था, उसने अपने दांतों से सोडा बोतल खोलने की कोशिश की, बोतल टूट गई और कांच उसके पेट में चला गया। नाउ ही इज वेरी सीरियस, अभी ICU में है। अरे देवा। आतिपरा, क्यों डरा रहे हो? मुझे ऑलरेडी दो दो डर है यार। दो दो डर? अरे एक ऑपरेशन का, दूसरा रोशन का। रोशन भाभी का तो टेंशन मैं नहीं कम कर सकता सोडी, लेकिन ऑपरेशन की टेंशन तू मत ले। डॉक्टर निराली बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है। हाँ थैंक यू सोडी। अरे सोडी, ये क्या किया तूने? कांच खा गए? अरे अय्यर परा, कोई जानबूझ के कांच खाता है क्या? वो तो पार्टी शार्टी में निकल गया। तुझे कैसे पता? अरे को डॉक्टर हाजी ने बताया। अरे भाई, तुमने पार्टी की, ये तो अय्यर को पता ही था ना। अरे हाँ। छोड़ें अंकल, छोड़ें अंकल। पापा, पापा तोने क्यों हो गया? हाँ क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? हाँ अंकल, क्या हुआ? हाँ बोलो ना। छोड़ें अंकल, आपके पेट में कांच है तो आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ पापा। सॉरी अंकल, गेट वेल सून। हाँ अंकल, गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आतिपरा, अरे एक मिनट बच्चो, एक मिनट। अरे यार सोड़ी, तू हॉस्पिटलाइज हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं, और डॉक्टर हाथी आपने भी नहीं बताया। अरे पोपटलाल, ये कोई खाने की पार्टी नहीं है कि मैंने अकेले अकेले खा लिया और तुम्हें नहीं बुलाया। अरे भाई, ये सोड़ी से नाराज होने का टाइम नहीं है, इसके साथ देने का टाइम है। पोपट, तुझे किसने बताया? अय्यर ने। अय्यर? तो सोड़ी, ये भी थे ना पार्टी में? तो बच्चों को किसने बताया? मैंने। क्यों, बच्चे थे पार्टी में? मतलब बच्चों को नहीं बताना था? नहीं। तो फिर सारी गलती अय्यर की है। अय्यर, तुमने मुझे जब सोड़ी के बारे में बताया तो बोलना चाहिए था ना कि बच्चों को नहीं बताना है। सोड़ी अंकल, हमें क्यों नहीं बताना था? हम क्या पराए हैं? हाँ सोड़ी अंकल। ना पुत्र। हाँ पापा, अब टप्पू से ना मेरी नाक कटवा रहे हो। ऐ गल नहीं है पुत्र, मेरी गल समझ। सोड़ी अंकल, अब तो आपके पेट से कांच निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। मैं तो इंजरी हो जाएगी। हाँ। और पापा, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। पापा, आप अपने पेट पे मुक्का मारिए और कांच टूट के चूरा हो जाएगा और इंजरी नहीं होगी। शाबाश होगी, ऐसा आइडिया तू ही सोच सकता है। थैंक यू, पर ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी पापा। ओ, कोई गल नहीं पुत्र, वो आइडिया तो आया ना। अच्छा एक बात बता, तुमने मम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं पापा। थैंक यू। पर मैंने अपनी मम्मी को बताया। मेरी प्यारी भाभी, रोशन को तो नहीं लाए ना? आए है ना, बुलाती हुआ रोशन भाभी। मर गया सोड़ी। मर गया। देखो रोशन भाभी, ये वक्त गुस्से का नहीं है। हाँ रोशन भाभी, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। हाँ शांति से। रोशन भाभी, हम लोग फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, शांत हो जाइए। रोशन मेरी जान, मेरी बात तो सुन। एम। हाँ रोशन।
तो कल रात को तूने मुझसे झूठ बोला था? I'm so sorry, रोशन. Sorry? खबरदार जो सॉरी बोला तो. बेशरम, पार्टी शार्टी करते वक्त याद नहीं आएगा सॉरी बोलना पड़ेगा? रोशन, एक्चुअली वो जो बल्लू आया था ना, तो उसने बोला कि अपना अमर जीते 7 साल के लिए कनाडा जा रहा है, फिर पता नहीं कब आएगा, तो इसलिए पार्टी शार्टी. अच्छा, कल को बल्लू भाई बोलेंगे कि पुलिस स्टेशन चल के पार्टी शार्टी करते हैं तो तू उड़ जाएगा. सही बात है, पुलिस स्टेशन में थोड़ी ना कर सकते हैं पार्टी शार्टी. हाय जॉनी, आटलू भेजू चाले छे तो रोशन को पार्टी शार्टी करना अच्छा नहीं लगेगा. उस टाइम पे ये बात भेजे में नहीं आई. आई एम वेरी सॉरी रोशन. नो सॉरी, कितना विश्वास किया था मैंने तुझ पे. मेरी ये सभी सहेलियों के सामने मैं कितना खुश होकर कितना प्राउड से बोलती थी. मारो रोशन तो अभी सुधर गया है, वो तो मेरी आखी बात मानता है, मुझसे झुट्टू बोलता ही नहीं है, कभी भी गुस्सा भी नहीं करता है और मेरी बात मानकर पार्टी शार्टी भी नहीं करता है. अभी ये सब मुझ पे हंसेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी, पता नहीं क्या क्या कहेंगी. रोशन बाबी, हम लोग कहाँ कुछ कह रहे हैं? हाँ, आप लोग बोल नहीं रहे हो लेकिन मन ही मन सोच तो रहे हो ना. मतलब आप ऐसा सोच रहे हो रोशन बाबी? देखिए, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए. गुस्सा तो गैस पर रखे हुए खाने की तरह होता है, वक्त पर उसको संभाल ना लेना तो जल जाता है. मतलब गुस्सा इंसान के सुख को जला डालता है. हाँ, ये बात आपने सही कही दया भाभी. मैंने नहीं, माने कहा है. सॉरी. देखिए रोशन भाभी, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन सोड़ी के पेट में कांच है. पोपटलाल भाई, एक बार बदन का दर्द बर्दाश्त हो सकता है लेकिन दिल का नहीं. और आप खोटाड़े झूठे हैं ये. बाहर आइए, जरा बाहर आइए. आपको पता था ना सोड़ी भाई पार्टी कर रहे हैं, तो आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? बोलिए. अरे नहीं, मुझे जरा भी कुछ मत बोलिए. और अय्यर, तुम भी इस झूठ में शामिल हो ना? आई एम सॉरी बबीता. कोई सॉरी वॉरी नहीं चलेगी, अब तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी. सॉरी, तेरे चक्कर में मैं भी बच गया. बबीता, आई एम रियली वेरी सॉरी. आई एम रियली सॉरी. मुझे क्यों सॉरी? नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं बोला बबीता जी. सॉरी. हाँ, मैंने माधु को बोला. माधु, आई एम रियली सॉरी. नो सॉरी, कर लो. मैं बच गया भाई आज. अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई, वरना मुझे भी मेरी पत्नी से ये सब सुनना पड़ता. पोपट भाई, आपको पत्नी नहीं है लेकिन बहने तो है ना. आप जैसे दोस्त सूढ़ी भाई को साथ देते हैं ना, इसीलिए वो पार्टी शार्टी करता है. और सोड़ी भाई, कल रात आप झूठ बोल के बल्लू को समझाने गए थे ना? बल्लू नहीं, बल्लू का बड़ा भाई. सॉरी, बल्लू के भाई को समझाने गए थे ना? तो रोशन भाभी बिचारी आधी रात को टेंशन में थी कि कहीं आपके और बल्लू के भाई के बीच में कहीं हाथापाई ना हुई हो. और आप तो वहां पार्टी में मजे कर रहे थे और रोशन भाभी की जान यहाँ गले में अटकी पड़ी थी. अरे भाई प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए. सोटी के पेट में कांच अटका हुआ है. भगवान पत्नी से झूठ बोलने की सजा दे ही देता है. मुझे ये सजा कबूल है, पर रोशन तेरी नाराजगी नहीं, मैं आज के बाद कभी पार्टी शार्टी नहीं करूंगा. हर बार तू यही कहता है रोशन. ये आखिरी बार है रोशन. हर बार आखिरी बार ही होता है. दया पापी जी, अंजलि पापी जी और मेरी सारी पापियों, रोशन को समझाओ ना, मुझे सच में दिल से अफसोस है. सॉरी भाई, आप हाथ मत जोड़िए. देखिए रोशन भाभी, ये सॉरी भाई को उनकी गलती का एहसास है. माफ कर दीजिए रोशन भाभी. देखिए, सॉरी भाई ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, अब माफ कर दो ना. सॉरी रोशन, दिल से सॉरी.
अय्यर तुम सॉरी नहीं कहोगे? बबीता आई एम सॉरी, रोशन भाभी आई एम रियली वेरी सॉरी। और आप क्या सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लिखने वाले हो क्या? सॉरी रोशन भाभी आई एम रियली सॉरी, आई शपथ में सॉरी को आइंदा पार्टी में साथ नहीं दूंगा। मैं भी नहीं दूंगा। मैं भी अपनी तरफ से आप सबको सॉरी बोलता हूँ। वो काफी देर से मैं मन में बोल रहा था, वो आवाज बाहर नहीं आ रही थी। ऐसे आवाज आती है। देखिए रोशन भाभी, अब तो सबने सॉरी कह दिया है, अब तो सोड़ी भाई को माफ कर दो प्लीज। नहीं अंजलि भाभी, रोशन ने मेरा दिल दुखाया है, झुट्टू झुट्टू बोला है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रोशन तू जब तक मुझे माफ नहीं करेगी ना, तब तक मैं मेरे पेट से कांच निकलवाने का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तेरी मर्जी, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। चल कोगी। अरे रोशन, रोशन, रोशन। अरे कोमल, रोको रोशन भाभी को, सोडी का ऑपरेशन करना जरूरी है। रोशन भाभी गुस्से में है, इस बार वो नहीं मानेंगे। चलो बोले। ए भाई सोड़ी, तू क्या पागलपन कर रहा है भाई, तू ऑपरेशन करवा लेना। नहीं पिडू, जब तक रोशन मुझे माफ नहीं करेगी तब तक ये कांच मेरे पेट में ही रहेगा। अरे यार, मैंने उससे झूठ बोला, उसका दिल दुखाया, उसको धोखा दिया। चलो घर। सोड़ी, एक डॉक्टर होने के नाते ये परमिशन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है तो मैं परमिशन नहीं लूंगा। क्या? और हॉस्पिटल का जो भी खर्चा ना मुझे बता देना, बाद में दे दूंगा। चलो यारो। ये नहीं मानेगा सोड़ी। सोड़ी, ऑपरेशन कैंसल। अरे मेरे कपड़े तो हॉस्पिटल के। अरे ये सोड़ी भी। अरे अरे रोशन भाभी, सोड़ी तो नादान है, आप तो समझदार है ना, माफ कर दीजिए इसे। रोशन भाभी, सोड़ी के पेट में कांच है फिर भी वो हॉस्पिटल से भागता हुआ यहाँ पर आया है। हाँ वो भी नंगे पैर, देखो। हाँ रोशन भाभी, गुस्सा खा जाइए, मतलब पी लीजिए, मेरा मतलब है थूक दीजिए। रोशन भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सोड़ी की हालत देखिए, प्लीज अपना गुस्सा कैंसिल कीजिए। रोशन सच में मुझे दिल से अफसोस है, मेरी प्रॉब्लम को समझ। पीने की? नहीं, ना नहीं कह सकने की। लाइफ में मैं कभी भी किसी को ना नहीं कह सकता, किसी का दिल नहीं दुखा सकता। हाँ ये बात तो है, हमें घुमाने ले जाने के लिए सोड़ी अंकल ने तुरंत आके दी। हाँ मेरे ख्याल से बल्लू ने इसको पार्टी करने के लिए फोर्स किया होगा, इसलिए पार्टी करने गया। अरे क्या ख्याल से पिडू, वो ऐसा ही हुआ था यार। और बल्लू ने जब मुझे पहली बार कहा कि हम पार्टी शार्टी के लिए जाएंगे तो मैंने उसे मना कर दिया था। रोशन, उसने कहा कि अमरजीत पता नहीं कितने वक्त के बाद कनाडा से आएगा, इसलिए उसको ना नहीं कह पाया। एक मिनट छोड़ी भाई, मेरे ख्याल से जिंदगी में कभी कभी ना कहना सीखना भी बहुत जरूरी है। सही बात है। हाँ छोड़ी भाई, देखो आपके ना से कभी कभी सामने वाले को तकलीफ जरूर होगी, पर उससे आप बाद में होने वाले बड़े प्रॉब्लम से तो बच सकते हो। हाँ, जैसे इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वैसे। और जितना ना बोलना जरूरी है ना, उतना हाँ बोलना भी जरूरी है।
अब सोडी भाई को माफी के लिए हाँ बोल दीजिए ना। हाँ रोशन भाभी प्लीज। हाँ रोशन आंटी प्लीज, रोशन आंटी प्लीज। रोशन दिल से बोल रहा हूँ प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं रोशन, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। रोशन भाभी मान जाइए ना, छोड़ दीजिए अभी। हाँ वो माफ कर दीजिए, क्या कोई मेरी रोशन को कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं समझाएगा। रोशन अब मैं तुझसे माफी भी नहीं मांगूंगा, तू अपनी जगह एकदम सच्ची है, तुझे मेरे जैसे इंसान को माफ भी नहीं करना चाहिए। अरे मैंने तेरा दिल दुखाया, तुझे सताया, तुझे तड़पाया, तुझको धोखा दिया, पेट में ये कांच रहे यही मेरी सजा है। अरे अरे प्लेट में कांच है। मेरे कुकुल नाम वासी हो, सॉरी सॉरी, मेरी वजह से आप सभी को तकलीफ हुई, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। मेरी रोशन, मेरे रोशन से अब कभी तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, कल यही खत्म होती है। मैं जा रहा हूं गहरा। दीवाना हूँ, मस्ताना हूँ, पर जो भी हूँ सोनिया तेरा हूँ। पर आप लोग हंस क्यों रहे हो? सोनी भाई अभी इतना भी नहीं समझे, हम सब आपके साथ मजाक कर रहे थे। मजाक? हाँ मजाक। सोनी तुझे सबक सिखाने के लिए हम सब ने मजाक किया था। मैं तुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए हम सब ने मिलकर ये नाटक किया था। अरे जोड़ी तेरे पेट में कोई कांच वाज नहीं है। क्या? मेरे पेट में कांच नहीं? मेरे पेट में कांच नहीं है? नहीं। और अब तेरा शुक्र है, पर वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर निराली, वो सीटी स्कैन, वो सब क्या था? सब झूठ था। झूठ? हाँ। जब तुम और बड़े मास्टर सीटी स्कैन कराने हॉस्पिटल गए, तब एक डॉक्टर होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते, मेरा ये फर्ज था कि मैं रोशन भाभी को सब कुछ सच सच बता दूं, और मैंने उन्हें घर बुलाया और सब कुछ सच सच बता दिया। गुड आई जी, वाहे गुरु जी, मेरे रोशन के पेट में कांच। डॉक्टर हाथी कुछ भी कीजिए, मेरे रोशन के पेट से कांच निकलवाइए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। शांत हो जाओ रोशन भाभी, सोनी भाई को कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी मुझे डॉक्टर निराली का सिटी स्कैन सेंटर से फोन आया, उसने बताया कि उसने स्कैन कर लिया है, लेकिन स्कैन तो बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारे पेट में तो कांच है ही नहीं। मुझे शॉक लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने तो कहा था तुमने कांच निकल लिया है, पर सिटी स्कैन रिपोर्ट में कांच था ही नहीं। और फिर मैंने बल्लू भाई को फोन किया, पहले तो मैंने उसको बहुत डांटा। ऊपर जाइए, सॉरी वो अमरजीत कनाडा जा रहा है ना, तो वो पार्टी शार्टी के लिए तुमको मैं बाद में और डांटूंगी। तुमको पता है कल तुम लोग ने जो पार्टी की उसमें रोशन ने जो ग्लास यूज किया था वो टूट गया था, और वो टूटा हुआ कांच उसके पेट में चला गया है, ऐसे में रोशन को कुछ हो गया तो? नहीं पर जाए जी, ऐसा कुछ नहीं है, जो सोडी के पास ग्लास था वो पहले से ही टूटा हुआ था। हा? और जब उसने मुझे कहा कि वो कांच का टुकड़ा निकल गया, तो मैंने उसे कहा कि कांच नहीं तू बर्फ निकला है, पर वो नशे में था ना, मेरी एक नहीं सुनी उसने।
ओए मेरे गले में क्या अटक गया? तुमने नशे में बर्फ का टुकड़ा निकल लिया था और तभी तुम्हारा ध्यान टूटे हुए कांच के ग्लास की तरफ गया। तुम्हें लगा तुमने कांच निकल लिया है। तो यानी मैं बर्फ का टुकड़ा निकल गया था और मुझे लगा मैं कांच निकल गया हूँ। उस वक्त आप पार्टी के मूड में थे ना, इसलिए आपको बर्फ का टुकड़ा भी कांच का टुकड़ा लगा, समझे? लेकिन वो पेड़ दर्द वो तो सच में हो रहा था यार। अरे वो तुमने ज्यादा चने खा लिए थे ना, उसकी वजह से। मुझे एक बात बताओ, मुझे सबक सिखाने के प्लान में आप सब लोग कब शामिल हुए? जब बल्लू और डॉक्टर निराली से सच का पता चला तब रोशन भाभी ने तुम्हें सबक सिखाने का प्लान कर लिया। मैंने भी कह दिया डॉक्टर निराली भी हमें सपोर्ट करेंगी। बस फिर क्या था, डॉक्टर निराली ने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पेट में कांच है, तब उसने अपने पुराने पेशेंट का सीटी स्कैन का रिपोर्ट दिखा दिया जिसके पेट में कांच था। तुमको ये भी कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम्हें सबक सिखाने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी, टप्पू सेना, हम सब शामिल हो गए। और सोड़ी, तुम जब अस्पताल में कपड़े बदलने गए थे ना, तब मुझे डॉक्टर हाथी ने इस प्लान के बारे में बताया। सोड़ी अंकल, कैसा लगा जोर का झटका? बहुत जोरों का। रोशन, मुझे जितना दुख तेरे झूठ बोलने का और तेरी पार्टी शार्टी करने का लगा ना, उससे बहुत बहुत ज्यादा खुशी इस बात की लगी कि तू मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे मनाने के लिए तू अपने पेट में कांच तक रखने को तैयार हो गया। मेरी जान रोशन। और मेरी रोशन, तेरे लिए और तेरे प्यार में मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वाह, थैंक यू। पता है सोनिया, अब तो माफ कर दे यार। कर दिया। सुधरेगा नहीं हूँ और सुधरता नहीं हूँ, इसलिए तो हमारा प्यार और बढ़ता है। चलो भाई, हमारे सोनी की पार्टी हो गई। रोशन भाभी का रुटना भी हो गया और रोशन भाभी की नाराजगी भी दूर हो गई। हाँ, और सोनी भाई कितना प्यार करते, आज रोशन भाभी को वो पता भी चल गया है ना। पर एक बात रह गई, टप्पू सेना को घुमाने ले जाने की। हाँ पापा, मैं तुम्हारे सोड़ी अंकल ने प्रॉमिस किया है तो सबको घुमाने लेके ही जाऊंगा।